गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई गेस आप लोगों को MSTs की इंफॉर्मेशन मिल गई है। ओके यस मैम। MST का पैटर्न आप लोगों को कंफर्म कर दिया गया है। योर MSTs विल बी इन सब्जेक्टिव वे। यस मैम, उसके मैम वो कहते हैं 3 क्वेश्चन आएंगे वो, मतलब 8-8 मार्क्स के। यस एंड दैट विल बी एक्चुअली 4 और आपको हम इससे 3 अटेम्प्ट करने हैं, ईच ऑफ 8 मार्क्स करेक्ट। और कोई भी क्वेश्चन आपको फर्स्टली क्योंकि ओपन बुक पेपर है तो कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट वाइजली। ठीक है, जो चीज़ आपसे पूछी जाए उसका करेक्ट आंसर देना है। एंड पर्टिकुलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ERP तो आपकी असाइनमेंट की इवेल्युएशन से आपको पता चल गया होगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर मिसिंग। ओके, इन एनी सब्जेक्टिव पेपर दैट यू आर डूइंग, वन की पॉइंट इज देयर दैट ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स फर्स्टली। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आप लोग जितने ज्यादा वहां पर पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं, द की पॉइंट्स, द टाइप्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन टर्म्स में अगर ज्यादा बात करेंगे तो दैट विल बी गुड। ठीक है, रादर देन वी आर जस्ट टेलिंग सम स्टोरीज। तो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, और डेट शीट जो है उसमें अभी हो सकता है कि कुछ माइनर सी चेंजेस हों, बट द रेस्ट विल रिमेन द सेम। ओके, इफ वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट आर सिलेबस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो एज यू कैन सी स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस एवरीवन, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस मैम। ओके, तो ये जो है दिस इज योर सिलेबस एंड वी आर हैविंग वन मोर लेक्चर बिफोर योर MST, सो वी विल बी कंप्लीटिंग इट अप टू वेंडर्स और मे बी कंसल्टेंट्स एंड यूजर्स ऑल्सो। सो आपका सेकेंड यूनिट अप टिल दिस पार्ट कंसल्टेंट एंड यूजर्स यहाँ तक जो है कंप्लीट हो जाएगा और यही आपके फर्स्ट MSTs में आएगा एंड द रेस्ट वी विल कवर आफ्टरवर्ड्स। ओके, एक बार आपका सिलेबस जो है वो आपके गूगल क्लासरूम में भी मैं एक बार डिस्प्ले कर दूंगी, बट रेस्ट इट इज जस्ट अप टिल दिस के जहाँ तक अभी तक हो गया है, ओनली दैट विल कम। ओके, सो लेट्स जस्ट रिज्यूम इट। टुडेज टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन इन ERP। सो व्हाट आर वी कंसर्न्ड अबाउट द टर्म ऑर्गेनाइजिंग, कि अगर हम लोगों को ERP की हम लोग बात करते हैं, वी वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट एन ERP सिस्टम, उसके हम लोगों ने लाइफ साइकिल रीड कर लिया कि क्या क्या लाइफ साइकिल इन्वॉल्व होगा इस चीज में, व्हाट विल बी आर इन टर्म्स ऑफ हिडन कॉस्ट, व्हाट आर द एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू डेवलप योर ERP सिस्टम। बट वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट, दैट हाउ आर यू गोइंग टू ऑर्गेनाइज द इम्प्लीमेंटेशन। कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग सिंपली एक सिनारियो अज्यूम कर रहे हैं कि आपने सोचा कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, बट आपने सिंपली बता दिया दैट आई वॉन्ट टू मेक, लेट्स से अगर सिंपल सी बात करें, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, आपने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचा एंड या आई विल गिव यू द क्वेश्चन बैंक आंसर, ओके, बाय पॉसिबली बाय टुमारो आई विल शेयर इट।
ओके सो वेयर वी वर दैट आप लोगों ने एक सिंपल ईआरपी सिस्टम बनाने के लिए हो जाए जो जो कि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है. लेकिन आपने कोई भी उसके एक ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड नहीं किए, कुछ भी उस आपके प्रोजेक्ट का जो आप लोग उसे लास्ट में जो जो मॉड्यूल्स अज्यूम कर रहे हो उनके बारे में नहीं सोचा. सो क्या होगा कि जैसे ही आप लोग उसकी डेवलपमेंट को स्टार्ट करोगे तो आप लोगों ने बेसिक मॉड्यूल्स बना लिए जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फर्दर आपने सोचा कि ओके वी कैन डू इवन दिस थिंग. आफ्टर डेवलपिंग दैट मॉड्यूल यू कैन थिंक दैट ओके वी कैन डू वन मोर थिंग विद दिस, ओके, एंड देन यू विल कीप ऑन इम्प्लीमेंटिंग फर्दर एंड फर्दर बाय एडिंग सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट यू वॉन्ट. ओके, अब इसी चीज को अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सोचें, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाहती है कि उसके लिए एक अलग पार्टी, एक अलग वेंडर्स जो हैं एक सिस्टम को डेवलप करें, अगर उन लोगों ने कुछ टाइम कुछ बजट डिसाइड ही नहीं किया तो इवेंचुअली वो वेंडर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वेंडर को टाइम टू टाइम कुछ नए गैप्स एनालाइज करके बताएगी और वो लोग उस पर काम करेंगे. देन दे कैन इवेंचुअली टेक अप अ न्यू सिस्टम, दे विल वर्क ऑन इट. Sooner or later, they will analyze some more gaps and this thing will go on. Because this is true that time to time, हमारे पास नई से नई technologies आती जाएंगी and it will keep on growing. कभी भी एक ideal system जो है, we know that एक ideal system जो है, वो कभी exist नहीं करता. But we try to keep our system close to the ideal one. इसीलिए हम लोग बार बार उसमें implementations करते जाएंगे. Rather, ऐसा करने में क्या होगा कि आप लोग एक्चुअली अपने सिस्टम को भी गो लाइव नहीं कर पाओगे बिकॉज यू डोंट हैव एनी टाइम लिमिट्स कंस्ट्रेंट्स, एनी बजट कंस्ट्रेंट ओवर देयर. तो आप लोग उस चीज को टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे और टाइमली जो यूजर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो इसे एक्चुअल में वर्क करने वाले हैं इस चीज पर, वो कभी भी नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हर एक इम्प्लीमेंटेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहाँ पे आपको पहले पता हो ये सारी चीजें एनालिसिस फेज में या प्री प्रोसेसिंग फेज में क्लियर हो जाएं, दैट हाउ यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स, व्हाट विल बी योर प्रायोरिटीज. ओके, एंड मोर ओवर आप लोगों में से आपस में कम्युनिकेशन कैसा है, वेदर दैट इज बिटवीन द वेंडर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन द डिफरेंट टीम मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट. अगर उन लोगों में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, अगर वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को फेस जो भी उन्हें चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो कभी भी एक अच्छा ईआरपी सिस्टम नहीं बन पाएगा. सो इन दिस लेक्चर पर्टिकुलरली वी विल बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स दैट व्हाट आर गोइंग टू बी आर मेन प्रायोरिटीज, मेन ऑब्जेक्टिव्स टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम सो दैट टाइमली एंड इन एवरी पॉसिबल मैनर विदिन द कंस्ट्रेंट्स वी कैन रीच अप इन इम्प्लीमेंटिंग दैट ERP system. So we say that we can suffer a number of challenges if we cannot manage our ERP system wisely. Okay, that may be possible that we might suffer from some economical factors, we might suffer from some time related factors, and some things are there. It may be possible that we might suffer into the complaints of the customers that are involved, the various customer feedbacks that we are getting, we might get stuck over there and we keep on listening to their feedbacks or complaints more often that we may not be able to actually make our system live. Okay, so in these cases we may suffer various challenges. And to overcome them, we can say that we should have some of the organization of the implementation of ERP along with us so that we can timely and wisely complete our ERP system implementation with a reasonable profit also. So firstly, we must understand the ROI here. ROI is basically the term connected with the region of interest, that actually what are the objectives of your ERP system that you want to build up. Maybe
एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स जो हैं वो अलग हों किसी और ऑर्गेनाइजेशन के जो कि सेम मॉड्यूल पे, सेम मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहा है. दिस माइट बी पॉसिबल. सो यू शुड ऑलवेज स्टक टू योर रीजन ऑफ इंटरेस्ट, टू योर ऑब्जेक्टिव्स, सो दैट वी माइट नॉट इन्वॉल्व इन बिल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ ईआरपी विच वी सी एज इन नॉट रिक्वायर्ड बाय आर गोल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. जो चीज़ हमारे कंपनी के गोल्स में डिफाइंड ही नहीं है, जिस पर हमारी कंपनी का मेन मोटो जो है इस्टेब्लिश्ड है, अगर वहाँ पर वो चीज़ डिफाइंड ही नहीं है तो उस पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ उनके आउटकम्स, कुछ ना कुछ गोल्स हमेशा डिफाइंड होते हैं, एक मोटो डिफाइंड होता है जिसके इर्द गिर्द हम लोग क्या है हमारा सारा का सारा सिस्टम इवॉल्व करते हैं. तो इसीलिए आप लोगों को वो चीज़ें फाइंड हमेशा करनी चाहिए बिल्ड करते टाइम कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट किस चीज़ों पर है. इफ वी आर द कंपनी हु इज फोकसिंग मोर ऑन द कस्टमर्स, देन आर सिस्टम शुड बी बिल्ड इन दैट वे दैट इट्स प्रायोरिटी शुड बी द कस्टमर्स, वेदर इट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, whether it is in the distribution or sales unit, whether it is in the form of feedback, whether it is in the form of giving a communication with the users, it is in the form of taking any sort of feedback from the user while delivering the order, and even after delivering, while we are maintaining that order, while we are while that product is in the warranty stage. So उन times पर हम लोग focus करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा modules या sub functions उसी area के उसी module के define करें जो हमारा main concern है. So always this is the thing that has to be reconsidered by the management of the organization only. Ek management hai, wo decide karegi that what is our main interest, for what purpose actually we are building this ERP system, so that we can provide more and more functions of that particular module only, rather than wasting our time on some other modules which is not actually our interest, which is not actually the interest of the organization. तो इसीलिए क्योंकि क्या होगा कि हमारे पास हमें क्या चाहिए कि हमें एक streamlined order processing चाहिए. We want that our inventory count should be maintained timely so that there should be no wastage of the products. Further, we want to improve the quality of the production. So all of these things may be concerned with the product quality, maybe with the customers, maybe with the employees also that are working with you. So we have to always decide our region of interest so that we can work accordingly. Sometimes some companies are always concerned with the timely manner. Their overall motive is to provide certain four types of new products every year. सो ऐसी कंपनी का गोल हमेशा क्या हुआ कि मुझे आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द कस्टमर फीडबैक, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द सेल्स, बट आर कंपनी ऑलवेज ऑलवेज लॉन्चेस एवरी ईयर सम फोर न्यू प्रोडक्ट्स. सो आर कंसर्न्ड विल ऑलवेज बी इन दैट मैनर दैट आर सिस्टम शुड मोर फोकस ऑन द सेल्स और मार्केटिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट ओनली. वी आर नॉट दैट मच कंसर्न्ड अबाउट द फीडबैक सिस्टम. That might be poor, but the type of services, I would say the variety of services or products that we are providing, that is what we are known for, and we should focus on that thing only. Okay. And then the another one, set the ERP project priorities. In priorities, we just say that for every executive of the organization, or we can say the CEO of the organization, they should clearly set the priorities to the vendors from where they are developing that ERP system, that these are our priorities. We want these three modules maybe, or that particular type of module to be ready within the time and to be working in a completely फंक्शनिंग मैनर. सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हमेशा उसमें तीन मॉड्यूल्स जो हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे. दैट वन इज योर एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल, सेकेंड इज योर एम्प्लॉय मॉड्यूल, एंड थर्ड वन इज योर कस्टमर रिलेटेड मॉड्यूल.
these three modules are very much different from each other. But the reason that we are introducing ERP to our organization is that we want to manage the work and flow between our employees only. Okay, we might work on the customer module, but that might occur in the later on sessions. Now we don't want to provide that much functionalities over there. We are just concerned with the automation of the employee part and the administrative part only. So at that time, if you have settled down your priorities, so you have to just focus on those two parts. Rather, customer is also part of that organization, but till now, up till this project, we are not concerned with it. So if we can set our priorities in prior to the implementation or in the pre-processing state itself, that will help us to make a more efficient system as a result. Okay. Yes, do we have any doubt till this point? Any question? Yes, everyone. अगर किसी को कोई डाउट है या नहीं. ओके. ओके देन मूविंग ऑन. द नेक्स्ट थिंग इज एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन. The next thing which plays a vital role in the implementation of ERP is your communication procedures which you are following. Okay, अगर हम लोग बात करें एक ERP system है जिसे हमें develop करना है. This decision is going to be taken by the upper management, by the executives or CEOs only. ओके तो अगर उन लोगों ने कुछ डिसाइड किया है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं जिनके बेसिस पे उन्हें लगा कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द सेक ऑफ मे बी प्रॉफिट वी आर डिसाइडिंग दैट वी शुड ऑटोमेट आर सिस्टम टू ऑटोमेट द फ्लो और टू ईज द कॉन्वर्सेशन टू ईज द फ्लो ऑफ वर्क दैट वी आर फॉलोइंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी चीज़ें उन्हें पहले ट्रेडिशनल सिस्टम से ई आर पी सिस्टम में बेटर लगी, दे शुड बी डिफाइनिंग ऑल ऑफ द सिस्टम्स, ऑल ऑफ द स्पेसिफिकेशंस देयर, एंड देन दे नीड टू कम्युनिकेट दो स्पेसिफिकेशन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. ये चीज जरूरी है. अगर एक एग्जीक्यूटिव ने एक डिसीजन लिया है कि हमें ईआरपी इंप्लीमेंट करना है, तो उस ईआरपी का इम्पोर्टेंस सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स को, अपर मैनेजमेंट को पता होना जरूरी नहीं है. वो हर एक हायरार्की के अंदर जितने भी लेवल्स ऑफ पीपल वहां पर प्रेजेंट हैं, उन सभी को पता होना चाहिए. सो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट प्रॉपर नोटिस ऑफ एवरी इम्प्लीमेंटेशन दैट वी आर डूइंग इन आर सिस्टम, दैट शुड बी थ्रोन. Why? Because sooner or later, it is not the management who is going to use that system. Actually, it is the employees or customers or the people who are involved in that organization. They are using it. So, अगर हम लोगों ने उन्हें पहले ही इस चीज के advantages के बारे में या इससे होने वाले further ease के बारे में हमने नहीं बताया, what are the various pros involved here? If we cannot tell them about these things, then sooner or later they will try to we can say that they will try to just oppose your system. They will say that we are not going to work in such a system, that we have, number one, we have to learn new things. Why should we learn new things? We are already working fine with the previous manner, with the traditional things. Okay, second, nobody wants that they should be having extra, they should be devoting extra time to learning something new. So we have to involve them in certain things, their proper counseling, consultancy, and proper training should be there in mode of communication, so that we can tell that eventually this is for the betterment of the organization and for you also.
इन सम वे और अनदर दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू ओनली. सो दैट टाइप ऑफ कमिटमेंट और कम्युनिकेशन शुड एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वी कैन रिपोज द अपकमिंग अपोजिशन विच वी कैन वी माइट फेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी सिस्टम. देन the next thing is we must establish a team that is to be working on for that implementation. This is we are talking about the vendor side. If the vendor is just a team of two and they have decided that yes, we want to build up something and we are going to build it on it, but they have not divided the responsibilities, they have not built up their team who is going to do a particular work. Once the team has been decided, then they have to decide the time flow in which they are working, right? If only and only if the team is decided, then they can move on further to the time constraint, the time restrictions, the devotion of time that they are going to take for a particular module or maybe particular feature. So in these cases, that establishment of team is required, that a person who is at the lower level, who is actually the developer, he is going to report whom or who he is answerable to. Who is that person who he is answerable to actually? So if that person is facing any problem regarding the implementation, regarding the infrastructure, or regarding any facility that is provided to him by the organization, and he wants to maybe complain about it, then to whom he can ask it for. So always that team should establish that particular bunch of people should report to this person only. And then further, he will report to the upper level management, which is present there. So we always say that there is a need of one committee, which is known as steering committee. Okay, so in steering committee, we have our top management, our top executives, and some lower level executives, followed by the organization level of employees. Okay, the one who are actually considered as the laborer part. So that type of steering committee is required. Further, your project sponsors are there. The project sponsor is that concerned person to whom the responsibility of that entire project is given. That is known as the project sponsor. Okay, this might be possible कि अगर आप लोग हो, आपकी एक organization है, वो ERP systems बनाती है, और आपके पास at a time 5 ERP projects जो हैं, वो आपके पास आए हुए हैं. So we have to, as a vendor, we have to divide our team into 5 parts so that they can work on the individual project. Or maybe in any way that organization feels comfortable with. So they should always assign the authorities, assign the responsibilities to each of the person that is involved there. So there should always be a person who is solely and totally involved in with the responsibility of that project. And that you have to take care of the deadlines, you have to take care of all the objectives, modules that are involved, and you have to actually contact to the organization for the testing phases also and for the implementation also. So these are the project sponsors. Next, we can have project managers further. Now, what project manager will do, this might be possible that we have now divided our project into several parts. And we want that the programming part should be handled by one team, the testing part may be handled by one team, and one team should be there which is just analyzing the things, okay, which are analyzing the gaps maybe. So for all those things, we will be having a project manager, so that the testing team, if wants to communicate with the developing team, how they can communicate? They can communicate via project manager only. So project manager is the one who is actually analyzing the things at the upper end, that once the module has been completed, he is the one to whom the thing is reported that yes, this thing is working. He might check it, he might check the deadlines, he might check the budget constraints, he might check the infrastructure requirements that are available to the developers there.
एंड देन वी हैव द ईआरपी टीम, द टीम विच इज एट द लोअर एंड एंड विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वी कैन से फॉर द कोडिंग पार्ट, फॉर द डिजाइनिंग पार्ट, विच आर एक्चुअली राइटिंग अप द कोड एंड क्रिएटिंग इट अ वर्चुअल एक्सपीरियंस टू क्रिएट दैट वेबसाइट और टू क्रिएट दैट ईआरपी सिस्टम. सो दिस टाइप ऑफ ईआरपी टीम शुड बी देयर एंड टाइमली कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल ऑफ दीज टीम मेंबर्स और टीम एसोसिएट्स शुड अकर सो दैट ईच फ्लो और ईच न्यू अमेंडमेंट शुड बी क्लियर टू एवरी वन हु इज प्रेजेंट देयर. ओके देन वी टॉक अबाउट दैट वॉट टाइप ऑफ persons could be involved in the ERP team. There could be a ERP team related to the sales and marketing, a team related to the technical or customer services only, a team which is related to the R&D department only, and then a team which is related to the further different modules which are involved in that organization. Then comes the structure of team. How can we define that for every structure that is to be there in the team, in the team which is implementing the ERP, that could be complex also. That we can say that a person A who is handling the developer's part under a project manager, he might be doing some of the test cases also under the same project manager. That we are saying that it could be possible that there is a concerned person who might be involved in two projects simultaneously. This could be the possibility. So the structure of the team could be complex, but the important thing is that the role of each and every individual, the timelines of each and every individual, what type of devotion they are going to take while implementing the project, that should be clear. Okay, the next thing that we will discuss is educate the team. Next thing is that you have to educate the team. This is more or less concerned with our, we can say, communication part. While communicating, we need to motivate them. We need to counsel them about the project that we are going to implement. So similarly, you have to educate the team also. The team who is implementing, that team is not concerned. अब हम लोग यही चीज अज्यूम कर सकते हैं. आप लोग हो, आप खुद से अपनी एक टीम अज्यूम करो दैट वी आर फाइव पीपल एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड अप अ होटल मैनेजमेंट सिस्टम एज वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑल्सो. तो आप लोगों को अब ये नहीं पता कि एक होटल के अंदर जो सिस्टम है वो कैसे फ्लो करता है. Who is that person who is having most of the responsibilities and who is connected to which department directly or indirectly. So in that case, every time by the project sponsor, the team has to be educated. They have to be educated by using maybe some DFDs, maybe some case diagrams. They need to be educated to tell the flow which is present for the organization to work, or they should always be educated to tell the main objective of the organization for which we are actually implementing the system. We are implementing the system for a hotel. We should always know the main objective of that organization so that we can build up the product as per their requirements. So that sort of timely education or motivation is required. Okay, so further it is written that how we can provide them such knowledge, that could be through the subject experts, that could be through the webcast, through seminars, through consultants, or through some other resources. That might be any. Okay, then there comes establish a project charter. So while we want to educate that team, then we always should come up with a project charter, which is defining the project mission, the objectives that are involved for that organization,
वट आर द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज अवेलेबल, वट आर द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स एम्प्लॉयज और इट्स कस्टमर्स, वट इज द स्कोप ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, वट इज द स्कोप ऑफ दैट प्रोजेक्ट, वट इट इज एक्चुअली गोइंग टू डू, एंड वट आर द प्रॉब्लम्स विच नीड ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस. देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स वेयर फिजिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, where implementation is not possible in one way. So we must always thought of the alternatives so that we can actually reach the goal and actually fulfill that requirement which has been thrown by the organization. Now, the last one is the project timing. The timing is the most important thing that we must consider, that mainly what at what time your project is going to be finished. So you must always decide the timelines that if there are 3 months involved, let's say agar aapke project ko complete hone mein 3 months lagenge, we have decided this, then further we can divide that time into each month, that after the completion of 1 month what I expect my project to be doing, and then after the end of maybe month two what I am expecting, so that whenever I reach to the month one or month two I can compare my performance with the goal that I have decided, and then further I can decide whether I have to slow down my speed or whether I have to increase my speed so as to complete the whole process in the given 3 months only. फर्दर ये भी हो सकता है कि आप लोग फिर अपने टाइम को मंथ के बाद भी आप लोग वीक्स में भी डिवाइड कर लो कि आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ 1 week एटलीस्ट दिस मॉड्यूल अलॉन्ग विद द टेस्टिंग शुड बी कम्प्लीटेड. सो दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट टाइमिंग शुड बी कंसिडर्ड इफ यू वॉन्ट टू कम्प्लीट योर प्रोजेक्ट टाइमली. ओके, यहाँ पर आके हमें ये भी हो सकता है कि वी आर फेसिंग सेवरल इश्यूज के वाइल वी हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग, देन वी रियलाइज दैट ओके दिस इज टेकिंग मच टाइम, नाउ वी रिक्वायर सम चेंजेस इन द टीम मेंबर्स, मे बी वी मे रिक्वायर सम मोर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सो एज टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. So these certain types of hidden cost or unwanted cost may arise at that time also. Okay. Now by considering the timing, it might be possible that a ERP might focus on the quality of the services or quality of the product that they are giving rather than the speed of delivery of the ERP system that we are getting. So based on that communication that you do as a vendor with the organization, then you can decide that if you want a particularly well furnished project, it might take some more time. So that in that way even the deadlines can be compromised, they can be increased also, and so that that I would say simply depend on the organization, their goal, that eventually what type of ERP system they want to build up. Okay, so based on their requirement they might compromise with the functionalities and build it on timely manner, or second thing they might compromise with the time, that whether it is taking 3 months, now we can wait for another 1 month, it will take total 4 months, but I want each and every function to work properly. Okay, so these sort of things can also be reconsidered of. So as a summary of this lecture, we will say that whenever we are going to implement any ERP system, if we start from where we have actually started, that one thing is that we must know what is our region of interest, what are our priorities as in developing the system. Then next thing is the communication. For those people who are going to use the ERP system, communication regarding the advantages of ERP should be given to them, plus communication between the team which is implementing the ERP system on the vendor side also. They should also be communicated and educated regarding the goals and objectives of the organization so that they can build up a required
एन एफिशिएंट प्रोडक्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. एंड नेक्स्ट द प्रॉपर असाइनिंग ऑफ रोल्स फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विच इज प्रेजेंट, दैट शुड बी डन. And then we have discussed that while we should always define a basically a thing that is defining your objectives, your missions, your modules, your timelines, everything that is defined. Also, you must consider the timelines that are involved in the project so that you can complete your project in timely manner. And it might that graph, that deadline graph may ping you time to time that yes, you are lacking time, you are wasting so much of time, and you are not able to produce that much modules which we expected to be. And then you can take your decision wisely at that time, and then you can actually improve the speed of implementation of your project. Okay. So that is it for today's lecture. This is all about organizing the implementation in ERP, that what are the key factors that you must consider while implementing any ERP system. Yes, किसी को कोई doubt है? Yes, anyone? Any doubt in this session? Okay, then we will just quickly take the attendance and then you will be free. Till the time, if anyone is having any doubt, any question, they can ask. I'm just marking the attendance. मैम गुड आफ्टरनून. मैम गुड आफ्टरनून. मैम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैम गूगल क्लासरूम में शेयर कर देना एमएसटी फर्स्ट के लिए. या श्योर. आपके जितने भी टॉपिक आएंगे ना, यूनिट वन तो कंप्लीट है, यूनिट टू के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो मैं शेयर कर दूंगी. एंड ऑल्सो योर क्वेश्चन बैंक वो भी शेयर हो जाएगा. यस मैम. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू. बट हाँ, बट ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन बैंक है आपके, वो मोस्टली आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बैंक होता है कि जो प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है. लेकिन ओपन बुक पेपर जो है वो क्लियरली आप बोलता है कि यू कैन नॉट फॉलो द क्वेश्चंस व्हिच आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटीज. ठीक है. तो आपको ये हर एक सब्जेक्ट के लिए है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मोल्डेड होंगे. ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है. ओके, ये ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा के दिया होगा. इवेंचुअली द थिंग इज सेम, हम लोगों ने सब चीजें हैं जो डिस्कस की हैं, तो बस वो ध्यान में रखिएगा. एंड ट्राई टू टेक मोर एंड मोर एग्जांपल्स इन योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स. मोर एग्जांपल्स, मोर की पॉइंट्स, मोर डायग्राम्स. ओके मैम, टॉपिक्स शेयर कर देना. हाँ हाँ हाँ, वो हो जाएंगे. ओके मैम. ओके जी. ओके देन, आप, मैं आपके नाम बोल रही हूँ एंड वी विल टेक द अटेंडेंस. सो